पाकिस्तान की सलामती रेड लाइन है जो क्रॉस करेगा भरपूर जवाब मिलेगा। सियासी और अस्करी क़यादत का कौमी सलामती पर समझौता ना करने का अज़्म। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ काकड़ की ज़ेर-ए-सदारत कौमी सलामती कमेटी का अजलास। वज़ारत खारजा की पाक ईरान कशीदगी पर ब्रीफिंग। दिफाई इदारों ने जवाबी स्ट्राइक के हवाले से आगाह किया। अजलास में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, नेवी और फजाया के चीफ की शिरकत। निगरान वज़ीर खारजा, खजाना और खुफिया इदारों के आला हुकाम की भी शिरकत। वानी पीटीआई के साथ खड़ा हूं, मुश्किल वक्त में कभी किसी को नहीं छोड़ा। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की अदालत पेशी पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमें आजादाना इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी जा रही। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई को इंतखाबात ना लड़ने देना कौन सी जमहूरियत है। 8 फरवरी को पीटीआई के नामजद अफराद ही कामयाब होंगे। उम्मीदवारों के घरों और इंतखाबी दफातर पर छापे मारे जा रहे हैं। पीटीआई में खौफ हरास फैलाकर किसे खुश किया जा रहा है। लाडलों में आवाम का सामना करने की जरूरत नहीं। और बाजोड़ में नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग। पोलियो ड्यूटी पर मामू डॉक्टर अब्दुल रहमान जहां बहक, पुलिस अहलकार जख्मी। डॉक्टर अब्दुल रहमान को घर से खार सिविल हॉस्पिटल जाते हुए निशाना बनाया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकली के दौरान रास्ते में जान की बाजी हार गए। विफाक वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का डॉक्टर के कातिल पर अफसोस का इजहार। कहा, कातिलों को हर सूरत का टहने में लाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने वालों पर हमले करने वाले कौमी मुजरिम हैं। कानून की गिरफ्त में लाकर सख्त सजा देंगे।